गगहा थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में रविवार की सुबह दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। वहीं इस बीच चंकी पांडे ने अपने चाचा वकील राजेश्वर पांडे को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया। गोली लगने से घायल अधिवक्ता की अस्पताल में मौत हो गई। मृतक राजेश्वर पांडे गोला कचहरी में पेशे से वकील थे। वहीं घटना की सूचना पर SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह, क्षेत्राधिकारी खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण और गगहा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। इस संबंध में SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि गगहा थाना क्षेत्र में राजेश्वर पांडे की हत्या की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और पूछताछ में पता चला कि दो पट्टेदारों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद राजेश्वर पांडे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 अभियुक्त मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडवोकेट राजेश्वर पांडे की पुत्री और SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, अरे सर 40 साल हुई है सर, 40 साल। हमारे साथ प्रमोशन को बता दो भैया, बॉडी निकल गई है, जल्दी जल्दी लगा तो साफ कर लो। मंत्री भिजरा होता है पांडे और ओम प्रकाश पांडे बुलाए मेरे पापा को, बात से बात हो रहा था कि जमीन मेरा है, तो वर्मा पांडे बोले कि उन्होंने बाप से पूछे हो कि तुम्हारा जमीन है, कि बस फिर पापा बोले कि हम तैयार करवाएं, अभी ये तुम्हें जहाँ चला कि चंकी पांडे पीछे से आके गोली चला दी है। उनकी मम्मी पिस्टौल दी, उनकी मम्मी पिस्टौल, चंकी पांडे की मम्मी ने पिस्टौल, उनकी मम्मी पिस्टौल ला के दी। एक भाई, यानी आपके राजेश्वर पांडे आपके पिताजी हैं और उनको एक लड़का और 4 लड़कियां हैं। लड़का कितने, आपका भाई कितना साल का है? भाई 14 साल का। अभी छोटा है, सबसे छोटा? नहीं, उससे छोटी बहन है। अच्छा, यानी आप लोग, यानी 2 बहनें बड़ी हैं, 3 बहनें बड़ी, एक भाई है, उसके बाद एक छोटा है, यानी किसी की अभी शादी नहीं हुई? नहीं है लोग। गगहा में एक राजेश्वर पांडे जी की मर्डर की सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर गई है तो इसमें पता ये चला है कि राजेश्वर पांडे और के पिताजी और जो भी अभियुक्त ओम प्रेम कुमार पांडे उर्फ चंकी पांडे हैं, उनके बाबा जी आपस में सगे भाई हैं या आपस में पट्टीदार हैं। इनका पूर्व से कुछ विवाद था जिसमें आपस में कहासुनी हुई, उसमें गोली चली है और उसमें राजेश्वर पांडे जी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और इसमें 5 लोगों के नाम आ रहे हैं, अभी तहरीर प्राप्त हो रही है, हमने 5 में से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी शेष अभियुक्तों की भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करा ली जाएगी। सर, जिस युवक ने गोली मारी उसका कोई आपराधिक इतिहास थी? ये चूंकि अभी का मामला है, बहुत जल्दी का मामला है, इसमें तहरीर ली जा रही है और बहुत जल्दी इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं।